आज के एपिसोड में हमने आपको तीन नमकीन रेसिपीज बनानी सिखाई और नमकीन सप्ताह का पहला दिन पूरा कर दिया। हरदोई से सवाल है हमारी रानी सविता का, जो पूछती है कि उनका बनाया हुआ अचार अक्सर खराब हो जाता है और लंबे समय तक नहीं चलता है, उसको बचाने का तरीका बताएं। तो लीजिए, ये है आपके सवाल का हमारा जवाब। अचार जब भी हम बनाते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, यानी पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। चाहे वो आम का हो, नींबू का हो, किसी भी चीज़ का अचार जो आप बना रहे हैं, पानी अगर होगा तो अचार खराब होगा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, दूसरी बात यह कि पानी जब होगा, हवा लगने से भी अचार खराब होता है। पहले तो उन चीज़ों को सुखाया जाता है धूप में ताकि वो मॉइस्चर सारा उड़ जाए। दूसरी बात, इसमें तेल डाला जाता है, जैसे सरसों का तेल गर्म करके इसमें डालते हैं ठंडा करके, ताकि जब तेल की परत आ जाती है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता हवा के, ऐसा करने से अचार खराब नहीं होता है। तो या तो आपके अचार में तेल कम है या आपने ठीक से उसको सुखाया नहीं था। हाँ, ये बात अलग है कि नींबू का अचार में हम सुखाना नहीं पड़ता, आम के अचार में हम सुखाते हैं। अब मिलेंगे कल एक और नमकीन एपिसोड में जिसका नाम है रसोई की रानी सीजन 2। तब तक नमकीन खाइए और नमकीन बोलिए। देखते रहिए रसोई की रानी। रसोई की रानी, रसोई की रानी।